हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे, आज है छोटी दिवाली और कल था धनतेरस। कल का धनतेरस काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो चुका है और मैं सुबह सुबह उठ गई थी, काफ़ी लेट उठी हूँ आज मैं। वैसे तो अभी पी रही हूँ मैं कॉफ़ी, तो बेटी के लिए दूध लाने गई थी मैं। ये पीलू पूरे बस्ते इतने बस्ते पीते हैं, बस चल लिए दूध लाने गई थी मैं। पी लो कप पड़ते माता, मेरी कॉफी गिरते गिरते बची है। चल पकड़ तुझे वाला, मैं मदद घे उचलते। हाँ आता बस आराम पर। तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी। थोड़ी बहुत चीज काम हो चुके हैं, कल का थोड़ा बहुत मेस था वो हटा लिया है, झाड़ू वाड़ू लगा लिया है मैंने। ब्रेकफास्ट भी हो गया है, ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने चूड़ा बनाया था। चूड़ा जो था वो खाया है, चूड़ा सेव खाए हैं मैंने। और अभी सोचा कॉफ़ी खाया पी लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी काफ़ी वीकनेस लग रहा है मुझे। हो हाँ पी तू अतन को देखो, तो पता नहीं क्यों तो एकदम वीकनेस लग रहा है। वीकनेस से ज़्यादा मुझे लेजीनेस लग रहा है आज, कुछ करने का मन नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है। सो के रहूँ काफ़ी मेरे फेस से लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि अभी भी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। मैं उठी थी 9 बजे, हाँ 9 बजे उठी थी। हमारे यहाँ आज वो खेल दिखाने वाले लोग आए थे, वो जो पैसे लेके वो मदारी लोग खेल दिखाते हैं वैसे टाइप में आए थे कुछ, तो वो खेल दिखाते थे, वहाँ गई थी मैं। मतलब घर के पास में ही था, एक दो घर छोड़ के वहाँ पे आए थे वो, तो हम लोग वहाँ गए थे। मेरी बेटी को दिखाने लेके जाना था मुझे, तो तसा गुरु बाबू फिर उनके, तो वहाँ उसको दिखाने गई थी। वापस काय आलो तो तू सांग काय आलो कसं कर सकते थे दीदीला सांग ते अंकल ते अंकल छोटू सा दादाला कसे करत होते, दीदीला मारत होते दादाला मारत होते, दादाचा हात कसं केलं होतं मोरून टाकलं, दीदीला पण मारलं ते छोपून नव्हते म्हणून। हा आणि दीदीच्या पोटा कसं गोटा ठेवला का सांग ना सगळ्यांना, हा दीदीच्या पोटावर गोटा ठेवला होता ते सांग ना। दीदीच्या गोटात गोट्या ठेवलं होतं, मग असं जोरा जोरात मी असं असं मारून टाकलं। तो वही वो खेल दिखाने वाले आए थे, वहाँ गए हम लोग, थोड़ी देर देख के वापस आए। फिर दूध वाले दूध वाली वगैरह आई थी, दूध वाला नहीं है हमारे यहाँ, दूध वाली है एक्चुअली, एक लड़की है जो दूध लेके आती है। तो अच्छे वैसे कोई लड़का लड़की तो है नहीं, सारी चीज़ें सब लोग करते, जो जिस चीज़ में कम्फर्टेबल हो वो चीज़ करता है। क्या है प्यारे, ओके थैंक यू। तो कह रही है मम्मी पापा प्यारी है, पापा प्यारे हैं। तो फिर दूध वाली वगैरह आई, वही ये सब थोड़ा बहुत मैस वैस हटाया, ये वो किया, पता नहीं आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, एकदम सर भारी भारी लग रहा है। वैसे तो मैंने नए मेडिसिन स्टार्ट किए, जैसे मेरा लास्ट मंथ अबॉर्शन हुआ था, तो उसके बाद से डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन स्टार्ट करने दिए हैं, कुछ मेडिसिन पे हुए, उस वजह से है क्या है पता नहीं है, तो बस ज़्यादा काम हो गए क्या प्रॉब्लम पता नहीं, लेकिन बहुत लेजी और वीकनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस सोए रहो। हाँ चलो पियो, अच्छे से बैठ के पियो, फिर पियो अच्छे से बैठ के। किसको मम्मी को मारते हैं गंदी बात, तो इसलिए ऐसा लग रहा है आज बस सोए रहे बहुत लेजी लग रहा है, बट काम तो करना पड़ेगा। मैंने सारा मैस था, फिर झाड़ू वाड़ू लगाया, सोचा अभी थोड़ी देर कॉफी पी ले बैठूंगी, थोड़ा फ्रेश लगेगा, फिर लोग पढ़ते ना, तो इस वजह
She's waiting for love to be real. So friends, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैंने रंगोली डाल ली है, दिए लगा लिए हैं मैंने, और मेरी बेटी ने कुछ एक दो फुलझड़ियाँ जलाई हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये सिंपल सी कुर्ती पहनी है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है, तो मेरी बैटरी की मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत वीक फील हो रहा है। मैं दिन भर सोई थी, बहुत कम काम किए आज। इवनिंग में उठी, रंगोली वंगोली ये सब वही सारी तैयारियाँ चल रही थी। भगवान के पास भी दिया जला दिया है। अभी जाऊँगी मैं, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लानी है, मॉम के लिए दिवाली गिफ्ट लाना है, वो लेने जाऊँगी मैं, तो वहाँ जाएंगे। और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लानी थी मुझे, जो ज़रूरत की है वो भी लानी है, वो भी लाएंगे। तो चलिए चलते हैं, लेके आ जाते हैं, और आप लोगों को मेरी रंगोली और डेकोरेशन कैसा लगा है बताइएगा। और चलिए फिर चलते हैं, लेने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ। मैंने एज यूजुअल कुछ भी शूटिंग नहीं की है, क्योंकि बहुत भीड़ थी शॉप में, बहुत भीड़ थी। काफ़ी सारे लोगों की शॉपिंग जो है अभी भी चल रही है कंटिन्यूसली, तो सारे लोग ले ही रहे हैं अभी भी। पिल्लू टाइम आई चाहिए थी, तो मेरी बेटी ने सैंडल पहन ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मेरे मॉम के लिए ये चप्पल ली है, उनको डेली यूज के लिए चप्पल चाहिए थी। पिल्लू जायते ना इकड़े है, जायते ना इकड़े है ना, तो उसके बाद में मैंने सबसे पहले फ्लावर्स लिए हैं। ये रहे फ्लावर्स, तो ये मैंने 1 kg फ्लावर्स लिए हैं, तो ये कल की पूजा में लगेंगे। कल फ्लावर्स होंगे अपने दरवाजे पे, तोरण के लिए, खिड़की पे, यहाँ वहाँ मतलब लगते ही है फ्लावर्स। फिर तू निकाल ला, फिर आता देखो पाले ना, अभी दोनों उनको अभी कुछ दिन पहले दिलाई थी, तो उनको डेली यूज के लिए एक चप्पल चाहिए थी। उन्होंने कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले ही बोला था, उसमें से मैंने ये लाई हूँ। तो ये मुझे 150 में पड़े हैं। इसका पता नहीं, एक बटरफ्लाई नहीं है अभी, ध्यान किया, पता नहीं मेरी बेटी ने निकाला या क्या है, तो मैं देखती हूँ बॉक्स में, अगर तो लगा लूंगी। इतना दिखता है ना तेरे का, ये पावलर का है, वाइट वाइट। हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया उसे वापस करने के लिए, क्योंकि उसका एक साइड से डैमेज भी है, हम लोगों ने अभी देखा है, और उसका एक जो है बटरफ्लाई वो भी निकला, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इसको गिफ्ट देना है, बहुत बेकार लगता है। तो मैं सोच रही थी क्या दूँ मेरे मम्मा को गिफ्ट, साड़ियाँ तो उनके पास है, वो साड़ियाँ पहनती नहीं है, वो गाउन नहीं पहनते घर में। तो जस्ट हाल फिलहाल मेरे भाई ने उनको दो गाउन वगैरह गिफ्ट किया, मतलब है उनके पास काफ़ी चीज़ें, तो उनको घर में पहनने के लिए स्लीपर चाहिए थी। उन्होंने बोला था उनको मेरे हाथ के स्लीपर्स, सैंडल्स, मतलब हर चीज़ उनको मेरी चॉइस में पसंद है, तो उन्होंने मुझे बता के रखा था। तो अगर कुछ दे ही रहे तो फिर ये ले लेती हूँ, वो अभी मैं चेंज करने जाऊँगी, मेरा मूड ऑफ हो चुका है उसकी वजह से अभी। उसके बाद मैंने एक रंगोली ली है मेरे मॉम के लिए, यहाँ पे तो कलरफुल टाइल्स है, तो यहाँ पे लगेगा नहीं। ये मैंने मेरे मॉम के लिए ली है, ये रंगोली ली है मेरे मॉम के लिए, उनके घर जाते ही मैं उनको लगा के देने वाली हूँ। तो ये कैसी लग रही है बताइएगा। उसके बाद में ये पाउच लिया, वैसे तो मुझे बड़ा वाला मेकअप पाउच लेना था, मैक्सिमम इतना आता है इस साइज में, बट वहाँ पे था नहीं, इस वजह से मैंने ये छोटा वाला लिया है। तो ये उन्होंने मुझे 20 rupees में दिया है, तो काफी सारे शॉप्स में मैं घूमी बट मुझे मिला नहीं, तो मैंने इन लास्ट यही ले लिया, फिर थक गई थी। इसके बाद में कुछ दही पनीर वगैरह लाया है मैंने, जो कि अभी बनाऊंगी डिनर में। मैंने पालक जो है वो उबालने रख दी है, और उबालने मतलब वही ब्लंच करते हैं हम लोग वही, और उसके बाद में राइस चढ़ा दिए हैं मैंने, बस अब मुझे सब्जी बनाना बाकी है। तो उसके बाद में मैंने मॉम के लिए निशा लाई हूँ, निशा हर्बल समथिंग कुछ है, ये निशा नेचुरल ब्लैक, ये मेरी मॉम यूज करते हैं, तो मुझे वहाँ दिख गया तो मैंने ले ली। उसके बाद में मेरी मॉम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लाया। उसके बाद में मैंने मेरी नानी के लिए स्पेशल वाला गिफ्ट लाया, जो कि उनको पसंद है, मेहंदी। मेरी नानी को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, ना कपड़े ना कुछ, उनको सिर्फ मेहंदी और नेल पेंट मिल जाए तो बस वो बहुत खुश हो जाती है। उनके लिए मैंने 2 cones लिए हैं, मैं उनको घर जाने के बाद लगवाऊंगी। उसके बाद में एक नेल पॉलिश लिया है, ऐसे कलर मतलब मम्मी नानी के एज वालों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से लिया है मैंने। मैं ये आपको हल्का सा लगा के दिखा देती हूँ, तो ये देखिए ये ऐसा कलर है, तो नानी को इसी कलर में काफी अच्छे लगते हैं, मैं हर बार उनको यही कलर में या रेड कलर में देती हूँ गिफ्ट। तो ये रहे नानी का गिफ्ट।
उसके बाद में मैंने खुद के लिए कुछ लिया है, वो है ये फेस वॉश। ये काफी दिन से ढूंढ रही थी मैं, मिल नहीं रहा था तो अभी मिल गया। ये पतंजलि का एक्टिव कार्बन वाला है, हर्बल वाला फेस वॉश, ये लाया है 60 रुपीज में। फेस वॉश खत्म हो गया था मेरा। उसके बाद में क्लचर्स लाए हैं दो, क्योंकि लगते रहते हैं क्लचर्स, तो ये क्लचर्स लाए हैं दो। कलर क्लचर्स में इतने अच्छे अच्छे कलर थे, बट मैंने दो ही लिए हैं, ये दो क्लचर लिए हैं। उसके बाद में एक नेल पॉलिश, ऑब्वियसली नेल पॉलिश हर बार जाते हम लेते हैं। तो मेरी जो दिवाली की साड़ी है वो इस कलर में है, कल की साड़ी, तो मैंने इसमें सोचा कि उसके साथ मैच हो जाएगा। यह मैंने कहीं ट्राई किया था इसे, पता नहीं कहाँ मिल गया, यहाँ में ट्राई किया था, ये लिया है। तो बस इतनी चीज़ है, थोड़ा बहुत नानी के थोड़ा बहुत मॉम के लिए। सबसे पहले जाकर मैं चप्पल एक्सचेंज करा के आती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी लाई है। चप्पल जो है वो मैं थक गई बहुत, तो चेंज करा के ला ली है मैंने। साथ ही में मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, खाना मतलब मैंने पालक को उबालने रख दिया था पहले, राइस भी बना दिए थे, तो अभी बस उसको पेस्ट करा के एक साइड में तड़का लगाया, एक साइड में पनीर को फ्राई कर लिया है। थोड़ा थोड़ा शूट किया, ज़्यादा नहीं किया है। चप्पल जो है मैं लेके आ गई हूँ, तो लेके आ गई हूँ, और लेकिन इसमें बटरफ्लाई नहीं है, जो वो बटरफ्लाई लगे वाले उनके पास के पीस खत्म हो गए थे, तो उसमें बटरफ्लाई एक टूटा था, एक था, और साथ में यहाँ से निकल गया था, यहाँ से डैमेज था वो, लेकिन ये नहीं है। इसको हम लोगों ने देख लिया है, वहीं पे देख लिया मैंने इस बार, और वो साइज़ भी थोड़ा बड़ा था, तो ये साइज परफेक्ट मिल गया है, 5 नंबर ला दिया है। इसको भी पैक कर देती हूँ मैं, बॉक्स इतना बड़ा बॉक्स नहीं लेके जाऊँगी, सिर्फ इसी को पैक कर देती हूँ मैं। काफ़ी थक गई हूँ, काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, आज दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आज तो अभी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, इतने तेज़ वाली भूख लग रही है। अभी जैसे सब्जी पकती है हम लोग सबसे पहले खाना खाएंगे, तो सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, और थोड़े बहुत कपड़े जो है पैकिंग की वो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए हैं, तो चलिए पहले चेंज करते हैं फिर खाना खाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद में मैं बस ऐसे ही बैठी थी, मेरी बेटी सो गई है वहाँ पे, मैंने उसको सुला दिया है। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही बस बैठी हुई थी, कुछ काम थे, उसके बाद में जो वो काम थे वो कंप्लीट किए, थोड़ा बहुत मैं फैल गया था घर में, वो कंप्लीट किया, बर्तन घसने हैं मुझे, बर्तन घसूँगी मैं। और कल दिवाली है, तो मतलब कल लक्ष्मी पूजन है, तो कल थोड़े जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा काम वो आज ही कंप्लीट कर देते हैं। जो खाने के बर्तन हैं आ गए हैं, उन्हें भी आज ही साफ़ कर लेते हैं, ऐसे कुछ थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं, वो सब हो गया है। तो अभी सोच रही हूँ सोने जाओ, और कल दीपावली है तो एक अच्छी सी नींद की भी काफ़ी ज़रूरत होगी, ताकि कल एकदम फ्रेश एंड अप लगूँ मैं। तो इसीलिए सोचा है ब्लॉग को एंड कर दूँ, सोने जाऊँ मैं, और मैं मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, सुबह मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी जो हो सका वो मैंने करने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी छोटी दीपावली कैसी मनाई है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट।